यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 5/11/2017 का हल प्रश्न पत्र। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र। निर्देश प्रश्न 1 से 5 के लिए तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तर दें। तालिका भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या और भारत की जनसंख्या। वर्ष 1961 कुल वाहन 1,06,65, दोपहिया वाहन 1,00,88, कार जीप टैक्सी 1,03,1, बसें 0.57 लाख, मालवाहन 1,01,68, अन्य 1,00,042, भारत की जनसंख्या मिलियन में 439.23। वर्ष 1971 कुल वाहन 1,18,65, दोपहिया वाहन 1,05,76, कार जीप टैक्सी 1,06,82, बसें 1,00,94, मालवाहन 1,03,43, अन्य 1,01,70, भारत की जनसंख्या मिलियन 548.15। वर्ष 1981 कुल वाहन 1,53,91, दोपहिया वाहन 1,26,18, कार जीप टैक्सी 1,11,60, बसें 1,01,62, मालवाहन 1,05,54, अन्य 1,08,97, भारत की जनसंख्या मिलियन में 683.32। वर्ष 1991 कुल वाहन 1,213.74, दोपहिया वाहन 1,142.00, कार जीप टैक्सी 1,29.54, बसें 1,03.31, मालवाहन 1,13.56, अन्य 1,25.33, भारत की जनसंख्या मिलियन 846.42। वर्ष 2001 कुल वाहन 1,549.91, दोपहिया वाहन 1,385.56, कार जीप टैक्सी 1,70.58, बसें 1,06.34, मालवाहन 1,29.48, अन्य 1,57.95, भारत की जनसंख्या 1,028.73 मिलियन। वर्ष 2011 कुल वाहन 1,417.58, दोपहिया वाहन 1,018.65, कार जीप टैक्सी 1,91.23, बसें 1,16.04, मालवाहन 1,70.64, अन्य 1,121.02, भारत की जनसंख्या मिलियन 1,210.19। प्रश्न 1। वर्ष 2011 में भारत में दोपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था? विकल्प हैं ए 0.0084, बी 0.84, सी 0.068, डी 0.084। उत्तर है डी 0.084। वर्ष 2011 में भारत में दोपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व इज इक्वल्स टू 1,018.65/1,210.19x10=0.084 approximately। प्रश्न 2। वर्ष 1961 से 2011 के दौरान कारों की संख्या में औसत दशकीय वृद्धि कितनी रही? विकल्प हैं ए 68%, बी 217%, सी 157% या डी 131%। उत्तर है डी 131%। वर्ष 1961 से 1971 का वृद्धि प्रतिशत 6.82-3.1/3.1x100=120। वर्ष 1971 से 1981 का वृद्धि प्रतिशत 11.60-6.82/6.82x100=70। वर्ष 1981 से 1991 का वृद्धि प्रतिशत 29.54-11.60/11.60x100=154। वर्ष 1991 से 2000 का वृद्धि प्रतिशत 70.58-29.54/29.54x100=139। वर्ष 2001 से 2011 का वृद्धि प्रतिशत
171.23 - 70.58/70.58 = 171. अभीष्ट औसत प्रतिशत वृद्धि 120 + 170 + 154 + 139 + 171/5 = 654/5 = 134.8 = 131%. प्रश्न 3, वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से यात्री वाहनों फोर व्हीलर्स की संख्या का प्रतिशत क्या था? विकल्प है ए 24%, बी 31%, सी 43%, डी 14%. उत्तर है डी 14%. वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या 549.91, यात्री वाहनों चौपहिया वाहनों की संख्या 76.92, अतः प्रतिशत 76.92 / 549.91 × 100 = 13.98% = 14%. प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प हैं ए 1991-2001, बी 2001-2011, सी 1981-1991 या डी 1961-1971. उत्तर है डी 1961-1971. दशक 1961-1971 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 548.15 - 439.28/439.23 × 100 = 24.79%. प्रश्न 5, किस वर्ष में कारों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि प्रतिशत में दुपहिए वाहनों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि प्रतिशत को पार कर गई? विकल्प हैं ए 2001, बी 1981, सी 2011, डी 1991. उत्तर है सी 2011. वर्ष 2011 में दुपहिया वाहनों की दशकीय वृद्धि दर 1018.65 - 385.56/385.56 × 100 = 164.20% एवं कारों की दशकीय वृद्धि दर 2011 में 191.23 - 70.58/70.58 × 100 = 170.94%. अतः वर्ष 2011 में कारों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि दर दुपहिया वाहनों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि दर को पार कर गई। प्रश्न 7, यहाँ चार कथन दिए गए हैं, उनमें से दो आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, परंतु वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। उस कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। कथन ए, ईमानदार व्यक्ति ऑनेस्ट पीपल कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। बी, लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। सी, ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। डी, प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। कूट है ए ए और सी, बी ए और डी, सी बी और सी, डी ए और बी। उत्तर है सी बी और सी, लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। प्रश्न 8, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? ए, विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके। बी, सूचना भार में वृद्धि करके। सी, उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके। या डी, दृष्टिकोण स्थापित करके। उत्तर है डी, दृष्टिकोण स्थापित करके। संवाद ग्रहण की संभाव्यता को किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण स्थापित करके ही बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 9, ये कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहां कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं ए एक आख्यान नैरेटिव, बी एक तर्क आर्ग्यूमेंट, सी एक अटकल कंजेक्चर या डी एक ऐतिहासिक व्याख्या। उत्तर है बी एक तर्क। प्रश्न 10, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है? विकल्प हैं ए शिक्षकों के प्रति आदर, बी उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, सी प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि या डी बोध में संज्ञानात्मक भार। उत्तर है डी बोध में संज्ञानात्मक भार।
प्रश्न 11, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि ए इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हों, बी इसके सभी आधार वाक्य गलत हों परंतु इसका निष्कर्ष सही हो, सी इसके सभी आधार वाक्य सही हों परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, या डी इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सही हों। उत्तर है सी, इसके सभी आधार वाक्य सही हों परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। प्रश्न 12, एक उत्तम संप्रेक्षक अपना प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित में से किस से शुरू करता है, ए नानुमिति, बी पुनरावृत्ति पदबंध, सी सुगम पूर्वाभ्यास, या डी जटिल प्रश्न। उत्तर है सी, सुगम पूर्वाभ्यास। प्रश्न 13, किसी कूट में कोवेलेंट का कूट BWPDUOFM है, एलिफेंट का कूट होगा, विकल्प हैं ए QMUBIADH, बी QFMFUOBI, सी EPHNTEAS, या डी MFUIQRTW। उत्तर है बी QFMFUOBI। प्रश्न 14, श्रृंखला 1, 6, 15, 28, 45 में अगली संख्या होगी, ए 76, बी 56, सी 84, या डी 66। उत्तर है डी 66। 1+5 6, 6+9 15, 15+13 12, 12+17 45, 45+21 66। प्रश्न 15, अजय राकेश का दोस्त है, एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वो कौन है, राकेश ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच ये रिश्ता है, ए फादर इन लॉ ससुर, बी फादर पिता, सी अंकल चाचा, या डी ग्रैंडफादर बाबा। उत्तर है बी फादर। प्रश्न 16, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ डैश जोन का निर्माण करता है, विकल्प है ए भ्रम कन्फ्यूजन, बी विकास डेवलपमेंट, सी विकृति डिस्टॉर्शन, या डी अंतर डिफरेंस। उत्तर है बी डेवलपमेंट विकास। पृष्ठ 106, प्रश्न 17, नीचे दो आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इन दो आधार वाक्यों से चार निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा और चौथा निकाले गए हैं, उस कूट का चयन करें जो प्रामाणिक रूप से निकाले गए आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्ष निष्कर्षों को दर्शाता है। आधार वाक्य ए, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, बी कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। निष्कर्ष पहला, कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, दूसरा कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, तीसरा कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, और चौथा सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। कूट ए केवल पहला और दूसरा, बी केवल तीसरा, सी केवल तीसरा और चौथा, डी केवल पहला। उत्तर है बी केवल तीसरा, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। प्रश्न 18, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 10 मीटर चला और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला, वो अपने कार्यालय से कितनी दूर पर है, विकल्प है ए 40 मीटर, बी 60 मीटर, सी 20 मीटर, या डी 50 मीटर। उत्तर है डी 50 मीटर। प्रश्न 19, जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है, विकल्प हैं ए परिकल्पनात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सांख्यिकीय, या डी सादृश्य मूलक। उत्तर है डी सादृश्य मूलक। प्रश्न 20, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, विकल्प हैं ए तदनुभूतिक, बी अमूर्त, सी गैर विवरणात्मक, या डी काल्पनिक। उत्तर है ए तदनुभूतिक। प्रश्न 21, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है, विकल्प हैं ए शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है, बी शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, सी शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता,
डी शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। ई शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। कूट ए बी सी और ई, बी ए बी और सी, सी ए बी और डी, डी ए डी और ई। उत्तर है ए बी सी और ई। प्रश्न 22। यहां दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। उस अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। ए विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, बी विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, सी विद्यार्थी की अभिक्षमता, डी विद्यार्थी के विकास की अवस्था, ई विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, एफ विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। कूट ए डी ई और एफ, बी ए डी और ई, सी बी सी और एफ या डी ए सी और डी। उत्तर है ए सी और डी। प्रश्न 23। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट राइटिंग फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? विकल्प हैं ए विषय सारणी, बी अध्ययन के निष्कर्ष, सी ग्रंथ सूची और परिशिष्ट या डी सारणियों का और आंकड़ों की सूची। उत्तर है सी ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। प्रश्न 24। इनमें से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विकल्प है ए संरचना, बी अनुदेशनात्मक विविधता, सी प्रश्न पूछना, डी विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। उत्तर है बी अनुदेशनात्मक विविधता। प्रश्न 25। इनमें से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? विकल्प हैं ए व्यवहृत शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी प्रायोगिक शोध, डी मौलिक शोध। उत्तर है बी क्रियात्मक शोध। प्रश्न 26। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? विकल्प हैं ए प्रायोगिक पद्धति, बी कार्येतर पद्धति, सी सर्वेक्षण पद्धति, डी व्यष्टि अध्ययन पद्धति। उत्तर है बी कार्योत्तर पद्धति। प्रश्न 27। इनमें से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? विकल्प हैं ए शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, बी निदर्शन तकनीकों का विकल्प, सी शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना या डी सांख्यिकीय तकनीकों का अयथार्थ। उत्तर है सी शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। प्रश्न 28। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाएगा ए सतत कंटिन्यूअस एवं व्यापक मूल्यांकन, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी निकष संदर्भित परीक्षण, डी निर्माणात्मक परीक्षण। उत्तर है सी निकष संदर्भित परीक्षण। प्रश्न 29। इनमें से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? विकल्प हैं ए कार्यशाला पद्धति, बी सम्मेलन, सी संगोष्ठी, डी शोध लेख। उत्तर है बी सम्मेलन। प्रश्न 30। अभिकथन ए सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्क आर अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। इनमें से सही उत्तर का चयन करें। ए ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पृष्ठ 107। बी ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ए गलत है लेकिन आर सही है, डी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उत्तर है बी ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 31। प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल हैजार्ड्स के गठित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। विकल्प हैं ए भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी जल निकास और निर्माण, सी ओजोन में कमी, डी जलवायु परिवर्तन। यहां दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ए बी और सी, बी ए बी और डी, सी बी सी और डी या डी ए सी और डी। उत्तर है बी ए बी और डी। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, जलवायु परिवर्तन।
भूमि उपयोग में परिवर्तन, ओजोन में कमी एवं जलवायु परिवर्तन कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में सहायक होते हैं, जैसे हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन आदि। प्रश्न 32। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? विकल्प हैं ए डायरेक्टरी, बी प्रोटोकॉल, सी यूआरएल या डी डोमेन। उत्तर है सी यूआरएल। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यूआरआई का एक सबसेट होता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि एक आइडेंटिफाइड रिसोर्स एवं उसे पुनर्प्राप्त करने का तरीका कहां उपलब्ध है। इसका सर्वज्ञात उदाहरण विश्वव्यापी वेब पर किसी जाल पृष्ठ का पता होता है। प्रश्न 33। इन विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प हैं ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी तेजपुर विश्वविद्यालय, सी हैदराबाद विश्वविद्यालय या डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। फरवरी 2017 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार दिया गया। इस श्रेणी के दूसरे अवार्ड में बेस्ट रिसर्च अवार्ड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं तेजपुर विश्वविद्यालय को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। प्रश्न 34। राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ? विकल्प है ए सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, बी फर्गुसन कॉलेज पुणे, सी महाराजा कॉलेज मैसूर या डी मिरांडा हाउस दिल्ली। उत्तर है डी मिरांडा हाउस। राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार मिरांडा हाउस दिल्ली को देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर चेन्नई का लायोला कॉलेज है और तीसरे नंबर पर दिल्ली का ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रहा। ये रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की। प्रश्न 35। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? विकल्प है ए अभिगम एक्सेस, बी साम्या इक्विटी, सी गुण एवं प्रकर्ष, डी प्रासंगिकता रेलेवेंस, ई मूल्य आधारित शिक्षा, एफ अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। यहां दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ए ए बी ई और एफ, बी ए बी सी डी और एफ, सी ए बी सी डी ई और एफ या डी केवल ए बी और ई। उत्तर है बी ए बी सी डी और ई। प्रश्न 36। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? विकल्प है ए बायोगैस, बी सीएनजी, सी हाइड्रोजन, डी एथेनॉल। उत्तर है सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है क्योंकि इसके जलने से किसी भी प्रकार के कार्बन के पदार्थ उत्पन्न नहीं होते। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? विकल्प है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 38। इनमें से कौन सा भ्रष्टाचार करप्शन शब्द की परिधि में आता है? विकल्प है ए सरकारी पद का दुरुपयोग, बी नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, सी जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, डी लोक संपत्ति को नुकसान। यहां दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। विकल्प हैं ए केवल ए और बी, बी ए बी और डी, सी ए बी सी और डी या डी केवल ए। उत्तर है सी ए बी सी और डी। प्रश्न 39। इसमें से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? विकल्प है ए राज्य का राज्यपाल, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उत्तर है ए राज्य का राज्यपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है तथा संसद के स्वीकृत प्रस्ताव पर ही इनको हटाया जा सकता है। प्रश्न 40। अभिकथन ए शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। तर्क आर जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति को जलाते हैं बायोमास को।
यहाँ दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए सही है और आर गलत है। सी, ए और आर दोनों गलत हैं। या डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर है ए, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 41, इनमें से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? विकल्प हैं ए मेगाबाइट्स, बी किलोबाइट्स, सी गीगाबाइट या डी टेराबाइट। उत्तर है सी गीगाबाइट्स। प्रश्न 42, इनमें से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या डी विलंबित सूक्ष्म कण। उत्तर है डी विलंबित सूक्ष्म कण। प्रश्न 43, डोमेनो में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? विकल्प है ए एनईटी नेट, बी ईडीयू एडू, सी सीओएम कॉम या डी ओआरजी। उत्तर है सी सीओएम कॉम। सीओएम कॉम डोमेन अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। डॉट कॉम का मतलब कमर्शियल होता है। प्रश्न 44, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? विकल्प है ए यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनाइटेड सीरियल बस या डी अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। उत्तर है बी यूनिवर्सल सीरियल बस। निर्देश प्रश्न 46 से 50 तक के लिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को समर्थनीय विकास का सर्वाधिक गंभीर खतरा माना जाता है। इसका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्विक जलवायु स्वाभाविक रूप परिवर्तित होती रहती है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर को ज्ञापित करने वाले सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहले ही प्रेक्षित किया जा चुका है और वैज्ञानिक निष्कर्ष ये दर्शाते हैं कि सतर्कता और शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भेद्यता सिर्फ भूगोल से नहीं जुड़ी है अथवा सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन विभिन्न समूहों को प्रभावित करते हैं। पृष्ठ 108, निर्धन व्यक्तियों के पास प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महाचक्रवात आदि के कारण संपत्ति होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए शायद ही बीमा होता है। निर्धन समुदाय तो गरीबी और जलवायु बदलाव की विद्यमान चुनौतियों से पहले ही जूझ रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक के लिए उससे जूझने और यहां तक कि अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के बदलते आयामों के साथ सामंजस्य बिठाने में इन समुदायों की सहायता की जानी चाहिए। अनुकूल वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से